मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर नीना हमसे बात कर रही थी। वो हमसे कहती है कि इस यूनिवर्स में कोई ना कोई तो ऐसा है जो हमसे 100% कंपेटिबल है। मेरे पास ऐसा कोई ढूंढने के लिए इतना टाइम ही नहीं है। वो जब 8 साल की थी तभी से उसने पियानो बजाना स्टार्ट कर दिया था। वो जब 13 साल की हुई तो उसने एक सपना देखा कि कभी ना कभी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में वो प्ले करना चाहती है। हम देखते हैं कि जब वो परफॉर्म कर रही थी तभी अचानक से उसके नाक से खून बहने लगता है, वो नीचे गिर जाती है। उसे एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया था, उसके ऑर्गन खुद ही खराब हो रहे थे। अब इसके बाद बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। नीना अपने ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं। वो दोनों एक हॉस्पिटल में आए हुए थे। वहाँ की डॉक्टर उन्हें बताती है कि अब नीना को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। जब तक किडनी ट्रांसप्लांट हो नहीं पाता तब तक उसे डायलिसिस करना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट पर उसका नंबर बहुत ही आगे था। कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक उसे अब वेट करना पड़ेगा। इस बात की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम उसकी लाइफस्टाइल देखते हैं। वो घर के काम करती है, अपने ग्रैंडफादर का ख्याल रखती है। इसके ग्रैंडफादर बहुत ही स्वीट थे, वो हमेशा उसे सपोर्ट करते थे। आज उसके डायलिसिस का फर्स्ट डे था तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। नीना उन्हें मना करती है, कहती कि मैं इसे खुद हैंडल करना चाहती हूँ। ग्रैंडफादर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जैसे ही नीना वहां से चली जाती है तो एक ब्रेड को बहुत सारा बटर वो लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें खाने नहीं देती, उनका ख्याल रखती है। इसके बाद हम उसे पियानो के स्कूल में देखते हैं। वहां पर छोटी बच्चियों को पढ़ाया करती थी। उसे आज पता चला था कि सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में पियानो बजाने वाले किसी की उन्हें जरूरत है। इसके लिए नीना बहुत ही एक्साइटेड थी। वो अपने बॉस से बात करती है, कहती कि मैं वहाँ पर अप्लाई करना चाहती हूँ। बॉस कहती है कि क्या तुम यहाँ पर भी अच्छे से टाइम दे पाओगे। नीना ने उन्हें प्रॉमिस किया कि यहाँ पर भी वो पूरा टाइम देगी और अपने फ्री टाइम में वो प्रैक्टिस करेगी। नेक्स्ट सीन में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था कैप्रियल। ये सिटी से अपने बाइसिकल से घूम रहा था। उसे जरा लेट हो गया था तो बाइसिकल से स्टेशन पर वो पहुंच जाता है। अंदर से वैसे ही वो बाइसिकल चला रहा था। उसी स्टेशन पर नीना भी थी। नीना एक पियानो को देखती है, उसके पास जाकर उसे बजाने लग जाती है। वो इस वर्ल्ड से पूरी तरीके से ट्रांसेंड हो चुकी थी। इसी वक्त गैब्रियल उसे देखता है। उसे देखकर वो भी सब कुछ भूल जाता है। वो डायरेक्टली उसके पियानो से टकरा गया। उसने नीना को डिस्टर्ब किया था तो इस बात से वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि यहाँ पर साइकिल नहीं चलानी चाहिए और इसके बाद वो वहां से चली गई। गैब्रियल चाहता था कि वो और भी प्ले करे पर उसका मूड अब खराब हो चुका था। इसके बाद हम गैब्रियल को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहां पर वो एज अ रेजिडेंट डॉक्टर था। उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी है, उसका नाम है जॉन। आज गैब्रियल छुपा कर एक स्नैक अपने पेशेंट को देता है। उन्हें खाने का बहुत मन था पर बाकी डॉक्टर्स उन्हें खाने नहीं देते तो गैब्रियल उनके लिए लेकर आया था। बाकी पेशेंट्स को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गैब्रियल को ही बताते हैं। वो हमेशा उनका ख्याल रखता है। वहां के नर्स को ये सब पता था। वो गैब्रियल से बात करती है, कहती है कि अगर तुम्हारे फादर को ये सब पता चला तो बहुत बुरा होगा। एक्चुअल में गैब्रियल के फादर वहाँ के सीनियर डॉक्टर थे। काम हो जाने के बाद गैब्रियल अपने फ्रेंड से बात करता है कि आज वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से मिला था और उस लड़की के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। अगले दिन नीना अपने ग्रैंडफादर के साथ हॉस्पिटल में आई। आज उसकी डॉक्टर वहां पर नहीं थी तो उसकी जगह पर गैब्रियल उसे देखता है। ये दोनों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। नीना अभी भी उसे गुस्से के लुक दे रही थी तो ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए। इसके बाद नीना को डायलिसिस के लिए लेकर जाते हैं। नर्स उसे कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीना ने कहा कि मैं दिन दिन इस मशीन से अब जुड़ी रहूंगी, इसमें अच्छा क्या होगा। गैब्रियल कहता है कि तुम्हें इस चीज को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, यही चीज है जो तुम्हें जिंदा रख रही है। आज अपने क्लास पर जाने के लिए नीना जरा लेट हो गई थी। उसके बॉस उसे कहती है कि तुम दो दो चीजें एक साथ नहीं कर सकती। डायलिसिस की वजह से उसके आर्म पर एक निशान बन गया था। ये निशान भी बच्चों को जरा डरावना लग रहा था और इसी वजह से उसे अपने जॉब से निकाल दिया जाता है। नीना को इस बात से बहुत बुरा लगता है। इसके बाद गैब्रियल हॉस्पिटल के स्टोर रूम में एक पियानो देखता है। ये पियानो उसने नीना के लिए ढूंढा था। अगले दिन आकर वो नीना के बारे में पूछ रहा था। नर्स उसे कहती है कि टेरेस पर है, आज उसे उतना ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा। ऊपर वो सनसेट देख रही थी तो गैब्रियल भी उसके पास आ जाता है। गैब्रियल कहता है कि तुम्हें ऊपर चढ़कर इस सनसेट को देखना चाहिए। नीना इस बात के लिए घबरा रही थी। गैब्रियल कहता है कि हमें हमारे फियर्स को फेस करना चाहिए। उसे ऐसे व्यूज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो माउंटेन क्लाइंबिंग भी करता है। नीना को ये बात बहुत अच्छी लगती है। नीना कहती है कि मैं भी तुम्हारी जैसे सोचती थी कि मुझे फियर्स को फेस करना चाहिए, पर अब मुझे रियलिटी भी देखनी पड़ेगी। मेरे पास किडनी नहीं है, अब मैं प्ले नहीं कर सकती। उसे अपने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए इंटरव्यू देना था पर वो नहीं दे पाएगी। गैब्रियल कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। नीना कहती है कि अब मैं चाहूँ फिर भी नहीं कर पाऊंगी, आज ट्राई करने का लास्ट डे था। गैब्रियल कहता है कि अभी तक टाइम गया नहीं है। ये सारी बातें करते हुए गैब्रियल ने नीना को पियानो भी दिखाया था। उसका फिर वो हाथ पकड़ता है और डायरेक्टली बाइसिकल से ऑर्केस्ट्रा की जगह पर उसे लेकर आया। अप्लाई करने की विंडो क्लोज हो रही थी।
उस लेडी से रिक्वेस्ट करते हैं पर वो मान नहीं रही थी। गैब्रियल कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई और इसी वजह से मैं आ नहीं पाई। गैब्रियल भी कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, ये जो भी कह रही है सच कह रही है। वो लेडी फिर उसे अप्लाई करने देती है। इस बात पर बाहर आकर वो दोनों बहुत हंसते है। रात में घर आकर नीना बहुत ही खुश थी। उसके ग्रैंडफादर उसे पूछते है क्या तुम्हें प्यार हो गया है। नीना कहती कि प्यार से बड़े प्रॉब्लम्स मेरे सामने है। नीना ने बहुत अच्छी डिश बनाई थी तो गैब्रियल को खाने के लिए वो बुला रही थी। गैब्रियल का फ्रेंड कहता है कि डॉक्टर को उसके पेशेंट को डेट करना अलाउड नहीं है। गैब्रियल फिर उसे मना कर देता है। नीना ने कहा कि कल मैं तुम्हारे लिए लंच के लिए ला सकती हूँ पर इसके लिए भी वो मना कर देता है। अगले दिन हॉस्पिटल में गैब्रियल नीना के बारे में सोच रहा था। उसे मिलने के लिए उसके फादर बुलाते हैं। उसके फादर उसे कहते हैं कि जिस तरीके से तुम पेशेंट्स को ट्रीट करते हो इससे तुम कभी ट्रबल में आ जाओगे। तुमने उस न्यू पेशेंट को पियानो दिया। ये सब बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। गैब्रियल कहता है कि एज अ डॉक्टर हमारा एक ही फर्ज है कि हमारे पेशेंट को अच्छा लगना चाहिए। वो फिर वहां से चला जाता है। नीना पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी तो उसके पास वो आ गया। उसे एक सॉन्ग प्ले करना आ नहीं रहा था। वो कहती कि जो सॉन्ग मैं हमेशा से प्ले कर रही थी उसी को प्ले करने के लिए आज मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही। गैब्रियल कहता है कि तुम मुझसे अच्छा तो प्ले करती ही होगी। वो फिर खुद प्ले कर रहा था जो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं था। नीना कहती कि मुझे भी बाइक चलाना नहीं आता। गैब्रियल ने कहा कि तुम्हें बाइसिकल चलाना तो आना ही चाहिए। इसके बाद उसे बाइसिकल चलाना सिखाता और नीना गैब्रियल को पियानो बजाना। एक दूसरे के साथ वो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन प्ले करते करते नीना सिंग भी करती है। गैब्रियल कहता है कि ये बहुत अच्छा था, तुम्हारे फर्स्ट कंसर्ट को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। नीना फिर उसे एक क्लब में लेकर आती है। दोनों मिलकर डांस करते हैं। डांस करते करते एक दूसरे के करीब आ गए और किस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में नीना हॉस्पिटल में थी। उसके साथ ही एक पेशेंट थे जिसका नाम था अमेंडा। नीना को बातों से पता चलता है कि अमेंडा का सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट है। नीना पूछती है कि क्या तुम डरी हुई नहीं हो। अमेंडा कहती है कि जीने के लिए मेरे पास दो डॉटर्स हैं, उन्हें ही देखने के लिए मैं हमेशा जीना चाहती हूँ। ये सब जब वो बात कर रहे थे तभी वहां से गैब्रियल गुजरता है और नीना स्माइल करती है। अमेंडा समझ गई कि अब नीना को भी कोई ना कोई जीने के लिए मिल चुका है। नेक्स्ट मॉन्टाज में नीना प्ले करने का बहुत ट्राई करती है पर उसकी उंगलियां उसे साथ नहीं दे रही थी। एक दिन गैब्रियल और नीना बाहर जा रहे थे। नीना के ग्रैंडफादर गैब्रियल को कह रहे थे कि नीना का ख्याल रखना। आज नीना की ऑडिशन थी। ये ऑडिशन देखकर वो वापस आती है और उसका सिलेक्शन हो गया था। गैब्रियल उसके लिए बहुत खुश था। अब उसे और एक फाइनल ऑडिशन देना पड़ेगा। गैब्रियल कहता है कि इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगा। घर आने के बाद वो अपने फ्रेंड से कहने लग गया कि प्लीज मेरे लिए कुक कर देना। उसे खुद कुकिंग नहीं आती थी। फ्रेंड कहता है कि अगर तुम पूरा घर साफ कर दोगे तभी मैं कुकिंग करूंगा। तो दोनों ये चीजें संभाल लेते हैं। जॉन ने भी अपने बॉयफ्रेंड को डिनर के लिए बुला लिया था। थोड़ी देर में वहां पर नीना आती है। इसके बाद वो सब लोग डिनर करने लग गए। जॉन का बॉयफ्रेंड नीना को अजीब अजीब क्वेश्चन पूछने लग गया कि तुम्हारे हाथ पर साइन क्या है, तुम्हारी बीमारी में क्या लोग जिंदा रहते हैं। इस तरीके से सारी सिचुएशन वो वियर्ड बना रहा था। गैब्रियल जॉन को कहता है कि प्लीज इसे लेकर बाहर चले जाओ। जॉन भी फिर वैसा ही करता है। गैब्रियल जॉन के बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाने लग गया। नीना कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जॉन ने हमारे लिए डिनर बनाया था। गैब्रियल कहता है कि तुम्हें कैसे पता। नीना कहती है कि मुझे शक गया था, अब तुमने कंफर्म कर दिया। इस बात पर दोनों बहुत हंसते हैं। यहाँ का व्यू नीना को बहुत पसंद आया। वो कहती है कि यहाँ से स्टार्स भी दिखने चाहिए थे। गैब्रियल कहता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ से हमेशा तुम स्टार्स देख सकती हो। उसे टेरेस पर लेकर गया जहाँ पर स्टार का साइन बना हुआ था। अचानक से बारिश गिरने लग जाती है। वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। अगली सुबह गैब्रियल नीना के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है जो बहुत ही अजीब सी डिश थी। नीना उसे पूछती है कि तुम डॉक्टर क्या अपने फादर की वजह से बने थे। गैब्रियल कहता है कि मेरी मदर की वजह से। मैं जब 13 साल का था तभी मेरी मदर को कैंसर हो गया था। इस वजह से कुछ भी खा नहीं पाती थी, कुछ अच्छी चीजें कर नहीं पाती थी। गैब्रियल को लगता था कि अगर कुछ अच्छी चीजें वो करती तो उसके लास्ट डेज में उसका पेन कम हो जाता। इसी वजह से पेशेंट को जो भी दर्द होता है वो कम करने की हमेशा ट्राई करता रहता है। उन्हें जो भी चाहिए वो उन्हें ला कर देता है। नेक्स्ट सीन में नीना की डॉक्टर अब वापस आ चुकी थी। उनसे उसे पता चलता है कि उसकी किडनीज ने वर्क करना बंद कर दिया है। उसकी सिचुएशन और भी वर्स हो रही थी। गैब्रियल फिर नीना के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है। डोनर लिस्ट में उसका नंबर बहुत नीचे था, इसके बारे में उसे पता चला। वो फिर डिसाइड करता है कि वो खुद की ब्लड टेस्ट करेगा। अगर नीना के साथ वो कंपेटेबल हो जाए तो खुद की किडनी उसे दे सकता है। ये जब वो टेस्ट कर रहा था तो नर्स कहती है तुम्हारे फादर को अगर पता चला तो बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा। फिर भी गैब्रियल की इंटेंशन अच्छे थे इसलिए उसे हेल्प कर देती है। इसके बाद उसे अपने फादर का मैसेज आया। उसे जल्द से जल्द वहां पर बुलाते हैं। उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। फादर उसे नीना के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि क्या तुमने कंपैटिबिलिटी टेस्ट उसके लिए की थी। गैब्रियल कहता है कि आप मेरी लाइफ में जितना इंटरफेयर करते हो आपको उतनी ही केयर मेरी मदर की करनी चाहिए थी। फादर ने कहा कि वो सिचुएशन बहुत ही अलग थी, तुम हमेशा उसी बात को लेकर मुझ पर गुस्सा नहीं रह सकते। गैब्रियल गुस्सा होकर वहां से जा रहा था।
फादर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो रेजिडेंशियल कमेटी के पास मुझे तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। गैब्रियल फिर भी वहां से चला जाता है। रात में गैब्रियल ने नीना को टेस्ट के बारे में बताया। नीना उसे गले लगा लेती है, कहती कि मैं भी तुम्हारे लिए यही करती। आज नीना का फाइनल इंटरव्यू था। जॉन उसे चीयर करने के लिए वहां पर जाना चाहता था, पर उसके फादर उसे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देते हैं ताकि वो वहां पर जा ना सके। नीना बहुत नर्वस थी, गैब्रियल को मैसेज करती है, पर गैब्रियल टाइम से वहां पर पहुंच नहीं पाता। वो जल्दी से हॉस्पिटल से निकलता है और बहुत फास्ट अपनी बाइसिकल चला रहा था। चलाते चलाते गाड़ी से वो टकरा भी जाता है। पैरेलल में अपना परफॉर्मेंस देते हुए नीना नीचे गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। 3 दिन बाद उसे होश आता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। गैब्रियल नीना से मिलने के लिए आया। नीना को बहुत बुरा लग रहा था कि वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाई। उसने अब सारा होप लूज कर दिया था। गैब्रियल फिर से उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, पर नीना कहती है कि आज मैं चीयर अप नहीं हो सकती। उसे थोड़े दिनों में ठीक लगने लग गया था। गैब्रियल नीना से कहता है कि मेरी मदर की ट्रेकिंग के मुझे कुछ ओल्ड फोटोज मिले। उसकी मदर को भी एक माउंटेन बहुत अच्छा लगता था। इसकी फोटोज वो नीना को दिखा रहा था। उसका कुछ काम था तो नर्स उसे लेकर जाती है। उसके मोबाइल पर एक ईमेल आता है। नीना ये पढ़ लेती है। वो एक पेशेंट को डेट कर रहा था और इसी वजह से रेसिडेंसी कमेटी उसे अब वहां से निकालने वाली थी। वो शायद डॉक्टर नहीं बन सकता था। गैब्रियल के वापस आने पर नीना ने उसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। गैब्रियल कहता है कि सब कुछ ठीक है। उसे उस ईमेल के बारे में नहीं बताता। नीना को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से गैब्रियल का फ्यूचर खराब हो सकता है। उसके फोन या टेक्स्ट कुछ भी नहीं उठाते। गैब्रियल भी रात में उसके घर पर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे बिना बताए तुम वहां से चली आई। नीना कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। गैब्रियल कहता है कि तुम वरी मत करो, ऑर्केस्ट्रा वालों से मैं बात करूंगा, वो तुम्हें और एक चांस दे देंगे। नीना कहती है कि वैसे भी कुछ हो नहीं सकता। जिस चीज को कभी बचाया नहीं जा सकता, हमेशा तुम उसके पीछे भागते रहते हो, ये गलत है। तुम्हारी रेसिडेंसी जाने वाली है, इसके बारे में तुमने मुझे बताया नहीं था। गैब्रियल कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। नीना कहती कि वैसे भी मुझे किडनी मिलने नहीं वाली है, थोड़ी दिनों में वैसे भी मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, तो इस रिलेशनशिप में कोई भी पॉइंट नहीं है। वो जानबूझकर उसे हर्ट करने के लिए कहती है कि मेरे लिए तुम सिर्फ टाइम पास हो। गैब्रियल को बहुत बुरा लगता है और वहां से चला गया। अगले दिन वो फिर से डायलिसिस के लिए आई थी, पर गैब्रियल उसे बात नहीं करता। नीना की फ्रेंड अमेंडा भी वहां पर आती है। उसे पूछती है कि हुआ क्या। नीना उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। अमेंडा कहती कि तुम बहुत गलत तरीके से सोच रही हो। तुम शायद 2-3 मंथ जियोगी या फिर 30-40 साल। तुम्हें इस तरीके से गिव अप नहीं करना चाहिए। नर्स भी नीना से कहती है कि गैब्रियल कमेटी के साथ मीटिंग में है, तुम वहां पर जा सकती हो। वो फिर डायरेक्टली अंदर आ जाती है। वो मीटिंग में सबको एड्रेस करती है। कहती कि गैब्रियल एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, अगर आपने उसे यहाँ से निकाल दिया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। फ्यूचर में जो भी पेशेंट को ट्रीट करेगा उनका नुकसान होगा। और दूसरी बात ये कि गैब्रियल ने मुझे फोर्स नहीं किया था, मैंने उसे फर्स्ट टाइम किस किया था, उसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद गैब्रियल को वहां से रेस्टिगेट नहीं करते। गैब्रियल को एक आइडिया आई थी, एक इवेंट वो प्लान करता है। नर्स नीना को कॉल करती है और कहती कि अमेंडा के लिए हम एक पार्टी रख रहे हैं, तुम्हें भी वहां पर आना चाहिए। इस इवेंट के बारे में गैब्रियल के फादर को भी पता चल गया था। जॉन गैब्रियल के फादर को समझाता है कि गैब्रियल को आपको एक चांस देना चाहिए, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। जैसे नीना वहां पर पहुंचती है तो वहां की नर्स उसे रेडी करती है। नीना के लिए सब लोग वेट कर रहे थे। नीना को परफॉर्म करने के लिए गए थे। वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले करती है। नीना को पता नहीं था कि वहीं पर ऑर्केस्ट्रा में से एक जज आई हुई है। गैब्रियल ने ऑलरेडी उस जज को नीना की कंडीशन के बारे में बता दिया था। जज को नीना का सॉन्ग बहुत पसंद आता है। वो कहती है कि तुम्हें और एक चांस दिया जाएगा, तुम बहुत ही अच्छी प्ले कर रही हो। गैब्रियल के फादर भी ये देखते हैं और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। गैब्रियल और नीना एक दूसरे के साथ थे। उसे कहता है कि जिस माउंटेन पर उसकी मदर गई थी उसी माउंटेन पर वो जा रहा था। वो नीना से कहता है कि एक दिन हम दोनों मिलकर साथ में चलेंगे। नीना को आइडिया बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद अगले दिन गैब्रियल क्लाइंब कर रहा था, अचानक से उसके हाथ से उसकी मदर की फोटो नीचे गिर जाती है। इस फोटो को लाने के लिए उसने रिस्क लिया और इसी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। नीना को भी रियलाइज हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। हॉस्पिटल में गैब्रियल के फादर भी थे, वो बहुत सैड बैठे थे। नीना जब वहां पर पहुंचती है तो उसे पता चला कि अब गैब्रियल नहीं रहा। गैब्रियल के फादर और नीना एक दूसरे का सहारा बनते हैं। नीना बहुत सैड थे, उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। उसके पास उसके ग्रैंडफादर आए। ग्रैंडफादर कहते हैं कि उस दिन जब मैं गैब्रियल से बात कर रहा था तो मैं उसे कह रहा था कि कभी भी तुम्हें वो हर्ट ना करे। उसने मुझे ये बात प्रॉमिस की थी कि वो कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। अगर जिंदा होता तो भी यही चाहता कि तुम अपने लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करो, मूव ऑन हो, आगे बढ़ो। नीना को हॉस्पिटल से बुलाया जाता है। उसे पता चलता है कि उसे किसी ने किडनी डोनेट की है। उसका नाम पूछने पर उसे पता चला कि गैब्रियल के फादर ही थे। उन्हें लंच के लिए बुलाती है। गैब्रियल को जो भी पसंद आता था इस सारी चीजों के बारे में वो बातें करते हैं। उसने जो अजीब सी चीज नीना के लिए बनाई थी इसके बारे में भी वो बात करते हैं। नीना उन्हें किडनी के लिए थैंक यू कहती है। फादर कहते हैं गैब्रियल का एक पार्ट तुम में बसा है, वो गैब्रियल से बहुत प्यार करते
करते थे और अब उसे समझ पाए। वो जिंदा होता तो हमेशा चाहता कि पेशेंट को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, यही उसका सपना उसके फादर अब पूरा कर रहे थे। नीना ऑर्केस्ट्रा में सिलेक्ट हो जाती है और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मूवी के लास्ट में सबके लिए उसने गाना गाया जो उसने गैब्रियल को डेडिकेट किया था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वो ना होने के बावजूद भी हमेशा उसी का पार्ट बनकर रहेगा। फाइनली गैब्रियल उसे जिस माउंटेन पर लेकर जाना चाहता था वहां पर भी वो विजिट करके जाती है। वहां पर उसे महसूस करती है मूवी के फर्स्ट में जिस प्यार को ढूंढना चाहती थी ये प्यार उसे मिल चुका था। इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।